हेलो स्टूडेंट्स, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी या वल्केनो के बारे में बात करते हैं। ज्वालामुखी यानी एक ऐसा छिद्र या ऐसा मुंह जिससे ज्वाला बाहर आती हो, यानी ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी वह छिद्र है जिससे पृथ्वी की आंतरिक भाग से लावा, राख, गैस और जलवाष्प का पृथ्वी की सतह पर उद्गार होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे व भूपटल के ऊपर लावा के प्रकट होने तथा शीतल और ठोस होने की समस्त प्रक्रियाएं शामिल की जाती, यानी केवल ज्वालामुखी के अंतर्गत बाहरी सतह पर लावा आना ही नहीं, पृथ्वी के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं जिनसे प्रभावित होकर वो लावा ऊपर आता है और पृथ्वी की सतह पर प्रकट होता है, या पृथ्वी की सतह से नीचे ही वो शीतल और ठोस हो जाता है, वो समस्त प्रक्रियाएं इस ज्वालामुखी क्रिया में शामिल होती हैं। ज्वालामुखी क्रिया एक आंतरिक आकस्मिक बल है जो प्लेट या पृथ्वी की सतह पर त्वरित परिवर्तन लाने में सर्वदा समर्थ है। अर्थात ज्वालामुखी क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध भूसंचलन से होता है। इस प्रकार के बल आकस्मिक रूप से प्रकट होकर अल्पकालिक अवधि तक ही सक्रिय रहते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया अति तप्त पदार्थों का ऊपरी मुख गमन करने वाला एक स्तंभ है जिसमें अधिकांशतः तप्त पिघला पदार्थ यानी मैग्मा, वृहद पैमाने पर गैसें और सीमित रूप से ठोस पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। बात करते हैं ज्वालामुखी की संरचना की, या ज्वालामुखी के अंग भी हम कह सकते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी शंकु। निसृत पदार्थ जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जमा होने लगते हैं तो जो शंक्वाकार आकृति का निर्माण होता है उसे हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। जब ये जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो शंकु काफ़ी बड़ा हो जाता है और पर्वत की जैसे दिखाई देने लगता है, इसे ही हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये जो पर्वत होता है इसके ऊपर लगभग बीचों बीच एक छिद्र होता है जहाँ से ज्वालामुखी का लावा बाहर आता है, उसे हम ज्वालामुखी छिद्र भी या वल्केनिक वेंट कहते हैं। इस छिद्र का भूगर्भ से एक पतली नली से संबंध होता है, इसे हम ज्वालामुखी नली या वल्केनिक पाइप भी कहते हैं। और जब ये ज्वालामुखी का छिद्र बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसे हम ज्वालामुखी क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख या वल्केनिक क्रेटर कहते हैं। जब धंसाव या दूसरे किसी कारणों से ज्वालामुखी मुख का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम कालडेरा कहते हैं। कई बार लावा मुख्य नली के दोनों ओर के रंध्रों में से होकर निकलता है और छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण होता है, इन्हें हम गौण शंकु भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की। ज्वालामुखी से गैस, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ तीनों ही प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं ये ज्वालामुखी उद्गार के समय जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड आदि प्रज्वलित गैसें, और अन्य गैसों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया क्लोराइड आदि निकलती हैं। इन गैसों में 60 से 90% तक अंश जलवाष्प का होता है और ये जो जलवाष्प है ये वायुमंडल के संपर्क में आते ही ठंडा हो जाता है। इसी कारण से जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके बाद उस इलाके में
मूसलाधार वर्षा भी होती। तरल पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है उसे हम लावा कहते हैं, जो बहुत गर्म होता है, लगभग 600 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। सिलिका की मात्रा के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। सिलिका यदि अधिक मात्रा में है तो ये एसिडिक लावा या अम्लीय लावा, और यदि सिलिका कम मात्रा में है तो ये क्षारीय लावा होता है। अम्लीय लावा पीले रंग का, भार में हल्का और द्रव रूप में गाढ़ा होता है, जबकि क्षारीय लावा जो है वो गहरा तथा काले रंग का, अधिक भार वाला और द्रव रूप में भी पतला होता है। इसी तरह से ठोस पदार्थ भी ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर आते हैं, जिनमें बारीक धूल कणों से लेकर राख से लेकर कई टन भार वाले शिलाखंड तक होते हैं। इसमें जो मटर के दाने जैसे शिलाखंड बाहर आते हैं उन्हें हम लेपिली कहते हैं। 6-7 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक व्यास वाले शिलाखंडों को हम ज्वालामुखी बम कहते हैं। कभी कभी बहुत छोटे छोटे नुकीले शिलाखंड भी लावा से चिपक कर संगठित हो जाते हैं। इन्हें हम ज्वालामुखी संकोणाश्म या वोल्केनिक ब्रेसिया भी कहते हैं। जल से भी कम घनत्व के टुकड़े जो जल पर तैर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम प्यूमिस कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे पहले निकलकर भूपटल पर आने वाले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को पायराक्लास्ट कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्वालामुखी से गैस, तरल या ठोस सभी प्रकार के पदार्थ बाहर आते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।